Hey guys, welcome back to Bhojpuri Chilies. मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं बाय क्रिएशन चैनल से कंजूस बाप बाय क्रिएशन अमित परमल. Let's start the video. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. Do check it out. मालिक माफ कर दीजिए मालिक, गलती से हो गया मालिक. अब जानबूझ के थोड़ी ना किए हैं, हम तो साफ ही कर रहे थे. स्क्रैच लग गया तो हम क्या करें? अरे बाप रे बाप, मालिक 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 क्या हुआ मालिक? मालिक मालिक, अच्छा ठीक है मालिक, एक पैसा हमारे से ले लीजिएगा. अच्छा ठीक है, तो ये स्क्रैच के दंड भले 10,000 रुपया ला. 10,000 रुपया महीना 2,000 के देते हैं और दंड लीजिएगा 10,000 रुपया वही 2 करोड़ की गाड़ी की. 2 करोड़ की गाड़ी? अरे तो बाप ऐसी गाड़ी पर कैसे चढ़ लो? अरे सारा पूरा 10 करोड़ की गाड़ी है. 10 करोड़ की? अरे 10 करोड़ की गाड़ी, हम नहीं जानते हैं कि 10 लाख की गाड़ी है. अरे 10 लाख के है रे, रॉयल्स रहा है, रॉयल्स रहा है. सस्ता गाड़ी पर महंगा गाड़ी के नाम लिख देने से महंगा नहीं हो जाता है. ए ज्यादा बकवास ना कर, चुपचाप दंड ला 10,000 रुपया. 10,000 रुपया हम नहीं देने वाले हैं, आपके नौकरी पर मारे लात हम जा रहे हैं घर. सुन, अरे दंड कौन देगा रे? हम नहीं जानते हैं. सुन, इधर इधर. हाँ बोलिए. अच्छा 10,000 रुपया नहीं देगा तो 9,999 रुपया ला. 500 रुपया देंगे. रे साला कम ना कर दिए कि मथे में चढ़ गया. अच्छा ठीक है, 5,000 रुपया ला. 500 से एगो चमन्नी ज्यादा नहीं देंगे. अब अच्छा चल, तोहर बात ना हमर बात. 600 रुपया ला. 500 रुपया लेना है कि जाए घर? फिर भी तोहर बात ना हमर बात. 550 रुपया ला. 500 रुपया लीजिएगा. सुन ला, 500 रुपया ला, लीजिए. लीजिए 10 रुपया. ये कथी ला रे? इसको बत्ती बना के अगले वाला छेद में घुसा लीजिएगा. मालिक चाय बन गया, आके पी लीजिए. अच्छा ठीक है, आ रहे हैं. ये आजकल के नौकर सब मालिक के माथा पर चढ़ कर मुतने लगता है. ए छोड़ा, ठीक से गाड़ी साफ कर, अच्छा से साफ करिए. आई मेरे स्क्रैच लगा लो तो सवा 10,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे. हाँ ठीक है, साफ कर ऊपर से नीचे तक के अंदर घुस घुस कर साफ करिए. लीजिए मालिक चाय. अच्छा लाओ लाओ. अरे इधर ढूंढ दे रहा. जी मालिक. अरे चीनी फ्री में आता है रे? नहीं मालिक. तो इसमें इतना चीनी डाल के काहे चाय बना दिया है? पूरा चिपचिपा लग रहा है साला, लग रहा है कि एक को कप में एक बोरा चीनी डाल के बना दिया है चाय ससुरा. अब पूरा 6 दूध में काहे चाय बनाता है रे? काहे चाय बनाता है साला? 4 कप पानी में 1 कप दूध डाल के चाय बनाया करो, ऐसे में तो साला कितने बड़ा गरीब बना देगा. और हाँ, 4 गो बिस्कुट काहे दिया रे? 1 गो बिस्कुट 1 दिन में दिया करो, 4 गो बिस्कुट 4 दिन तक चलेगा. चाय के नाम पे इनको दूध पीना है. पा, इतना गर्मी में पंखा काहेला बंद किए हुए है? पंखा बंद कर साला, बिजली का बिल तो ना देता रे ससुरा. कहीं के अवैया रूम में पड़ तो साला पंखा चला दिया साला, इतना गर्मी जोत ले भाई जब दिए. अरे साला इतना कसकर बैठता है, सोफा टूट जाएगा तो तोहर ना देगा? तो सोफा तो हम नाने ना दे ले हैं. खाली सोफे ना दिया है और कुछ कहा दिया? अच्छा छोड़िए ये सब बात, 100 रुपया लाइए तो. अरे इतना पैसा लेकर क्या करेगा रे? कुछ हो ना, चौक पे जाके ओमिन चौमिन बर्गर पिज्जा खाएंगे. अरे साला पैसा तोहर नाना छोड़ के गया है कि नहीं? साला जिस दिन तुमको कमाना पड़ेगा ना, वही दिन पता चलेगा कि 100 रुपया कितना मेहनत से कमाया जाता है. साला यहाँ खाए ले लाए ना पादे ले बिलाए 100 रुपया के ओमिन चौमिन बर्गर पिज्जा खाता. अरे साला तुराई से दुगो बेटा हमारा पैदा हो जाए ना, इसलिए पूरा घोड़े बेच कर खा जाए ससुरे. कहीं के इले मैसा, ये 10 दिन चलाइए और हमारे से मांगे होंगे नहीं है आप. एक रुपये में आजकल कौची होता है पापा? एक रुपये में तो चॉकलेटो नहीं मिलता है. 1 रुपये में चॉकलेट नहीं मिलता है? अरे झूठ बोलेगा साला, कल ही हम 1 रुपये में 2 कच्चा मैंगो खरीदे ससुरा कहके. ऐसे बोल रहा कि 1 रुपये में गुटका नहीं मिलता है. हम नहीं खाते हैं गुटका. बाप को ना सिखाओ साला, हमें यह सब पता है कि सामने चौक पर बैठ के लफार दोस्त के साथ गुटका चिबाते रहता है और फूलन के बेटी के पीछे पीछे कुत्ता लेखा बौआता है ससुरा. आपको कैसे पता पप्पा? अरे तोरा उम्र में हम हो ना 12 गो माल पर. हम तो बाप ना रहे, तो हम बाप है क्या? कौन करता है, कौन खाता है, किसके पीछे घूमता है? चला जो यहाँ से. अरे सुनता रे, एक दिन जो तुमको 10 रुपया दिए थे कौन किया वो पैसा के?
पापा वो 10 रुपया आपको दिए हुए पूरा 15 दिन हो गया तो खर्चा हो गया। अरे बाप रे बाप रे बाप, 15 दिन में 10 रुपया उड़ा दिया। हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को नहीं दीजिएगा जो 15 दिन में 10 रुपया उड़ा दे। सारे पास प्रणाम मालिक। हाँ प्रणाम प्रणाम। जूता पहन के अंदर काहे ला गया रे, जब फट से बाहर खोल का दो। की हो गया मालिक, जूता पहन के अंदर आ गया था? की हो गया सारा, तुम जूता पहन के अंदर आएगा माटी झीटी लगेगा फर्श पे, फर्श को साफ करने के लिए झाड़ू लगेगा और झाड़ू टूटेगा तो झाड़ू कहाँ से आएगा रे? सारा यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, झाड़ू कहाँ से खरीदेंगे हम? लीजिए गेहूं का पैसा, पूरा 1 करोड़ रुपया है। रे पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है बताओ रे, ये हमारा नालायक बेटा है, पैसा को पैसे नहीं समझता है, साला पैसा को पानी की तरह बहा देता है ससुरा। हाँ तो बिगड़ता तो अमीरे का बेटा है ना, अपन बेटा एकदम संभाल कर रख ले हैं। बउआ ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। हाँ और जानता है रे, पूरा 15 दिन में 10 रुपया खर्चा कर दिया है, साला फिर मांगने चला आया। 10 रुपया 15 दिन में खर्चा किया है, हमारे बेटा 1 दिन में 50 रुपया खर्चा करता है, उसको हम देते भी है चॉकलेट बिस्कुट खाए ले। देख रहे हैं पापा, आपके अंदर काम करने वाला अपन बेटा को 50 रुपया देता है। बेटा को बिगाड़ता है, चला जाओ। तू कटिंग मुझे देख रहा है, जो पर है तो लाइए ना 100 रुपया। साला कहीं के भगले के नहीं आते, ससुर नालायक बेटा कहीं कैसे मैं कंगाल बना देगा। और लीजिए मालिक, नाश्ता कर लीजिए। अरे बर्तन धोने वाला साबुन फ्री में आता है? क्या हुआ मालिक? ये तू 2 बर्तन में नाश्ता लाया है, साला नाश्ता करने के बाद ही गंदा हो जाएगा, इसके धोने के लिए साबुन लगेगा, साबुन तो बाप खरीद के देगा रे। साला यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं, साबुन कहाँ से खरीदेंगे रे? लाओ इधर ही, ये लाओ, इसको कपड़ा से साफ करके किचन में रख देना, साला धोना नहीं, साला जाओ। हद है ससुर के, यहाँ गरीबे बना देगा साला 1 दिन में हमारा। जिसके घर में 1 करोड़ रुपए आ रहा है वो गरीब हो जाएगा 5 रुपए की टिक्की वाला साबुन से। देख रहे हैं सेठ के बेटा को साइकिल से चलता है, ओकरा से निमन तो हम हो जो मोटरसाइकिल से चलते हैं। उकरा इतना अगर हमको पास पैसा रहता ना तो हम 4 चक्का से नीचे पैर नहीं रखते, भगने भी जाते ना तो 4 चक्का से जाते। साला के पैसा के भोगे नहीं है। ओ साला सा कंजूस है। चल ले चल दनी हमरो आगे छोड़ दे। साला कहीं के फेंकिए देंगे आई। ये ऐसे जलाने वाले लोग जो होते हैं ना, चिढ़ाने वाले, ये और ज्यादा बिगाड़ते हैं। इतना कंजूस है बाप रे, बहुत बड़का, इतना बड़का कंजूस है ना, ये अगर उनका बस चले ना तो मक्खी के गुम में से घी निकाल देंगे। अचानक चले तो मजाक लग रहा है तुमको रे, मारेंगे एक तबरा की धपाक से गिर जाएगा नीचे। साला अपन बाप से कैसे पैसा ले समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पास ना एगो आइडिया है, ऐसा आइडिया है ना कि तोर बाप कहीं से पैसा ला कर दे देगा। कैसे आइडिया रे? देख हमारे चमत्कार, हमारे चमत्कार की तू नमस्कार करेगा। दिखा दिखा। हाँ हेलो, हम बहुत बड़का क्रिमिनल बोल रहे हैं, तुम्हारे बेटा को किडनैप कर लिए हैं, जल्दी से 4 करोड़ रुपया लेके काली पहाड़ी के नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा बेटा का सर धड़ से अलग कर देंगे। कथी बोले हमारे पापा रे, देंगे पैसा? अब बोले है कि मार के फेंक दो, ऐसे नलायक बेटा के रोहे या न रोहे से कोई फायदा नहीं है। दोस्त हमारे पास एक आइडिया है, कल आओ इधर। हाँ ये आइडिया मस्त है, चल। उधर ब्रेको ना लगे इसे साला। मुर्गा के आने का समय हो गया है, सब रेडी रहना। रे, सब तैयारी हो जाओ। अरे हाँ हाँ, बैंक के जा रहे हैं, तुम 1/2 किलो बैंगन 1/2 किलो टमाटर ले लेना। 30 रुपये बैंगन है, जय में पिलवा उलवा लागल है वो 1 रुपये देता है, 2.5 रुपये ठीक है तो 250 ग्राम ले लो। हाँ टमाटर 40 रुपये, तनका सरल वाला 5 रुपये ठीक है, 100 ग्राम वो ही ले लो। हाँ लेकर घर आ जाना, ठीक रखो। एक टमाटर चढ़ता है 100 ग्राम में, 1 या 2। गाड़ी स्टार्ट रखना। चला चला, रे मेरे लड़े,
गाड़ी छोड़ा पैदल भाग। करोड़ों रुपया था वो भी मेहनत के कमाई का। कोई बात ना सेठ जी, हिम्मत रखिए, आपके पास पैसा की कमी थोड़ी ना है। हेलो हेलो साला, रख देता है कमीज पर हाथ चला, गंदा गांव जाएगा तो यहाँ खा ले पैसा नहीं है, साला धुवाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे रे। लीजिए सर जी, चोर को पकड़ लिए, लेकिन साला दो चोर भाग गया, और लीजिए अपना बैग। अरे साला के मुंह खोलता, गांव में कौन नया नया चोर पैदा लिया है, तुमका मुंह खोल के दिखोता। अभी खोलते हैं, रे रे हटो हटो। सेठ जी, नया नया चोर तापी का बेटा है। कौन बेटा? ये हमर बेटा ना है, हमर बेटा तो घरे है, ये सारा चोर है। चोर पापा हमारी का बेटा है पापा, हर चला। अच्छा तू हमर बेटा नहीं है, ए ये सारा चोर है, चोर मार चला के। सच में आपका बेटा नहीं है तो पीट दे साले को। हाँ कूद दे साला, पीट दे, मार दे साला के। मारे मार। ठीक है हम चले छी, हमू चले छी, चलू चोरी। हद है यार, मतलब क्या था ये? कोई इतना मक्खी चूस भाप, इतना ज्यादा मक्खी चूस भाप कि हाँ बर्तन धोने वाला टिक्की क्या फेरी में आता है ये? मतलब ये वो 5 रुपए का साबुन आता है जो इनके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, विम साबुन तो काफ़ी महंगा है। मतलब इनके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, मतलब विम साबुन तो उस काफ़ी ऊपर उससे आता है। और यार इनके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, उससे महंगे महंगे भी आते हैं डिशवॉशर, ठीक है, सोप जो होता है, डिटर्जेंट जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो और भी ज़्यादा महंगा आता है। लेकिन इनको देखो, यहाँ पे 5 रुपए की साबुन की टिकिया के लिए नौकर को डांट रहे, एक स्क्रैच के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना बता रहे हैं। 10,000 रुपए वो जा रहा था नौकर, रहे दो, हमें करना ही नहीं है, जॉब ही नहीं करनी, किसी और क्या कर लेंगे। सही बात यार, इतना मक्खी चूस बाप, 15 दिन में 10 रुपये, 10 रुपये सीरियसली? ये माँ बाप जो, मतलब ये चीज़ एग्जांपल देते हैं ना कि हमारे टाइम में तो हम इतने रुपए में काम चलाते थे, तो आपके टाइम में उन रुपयों की वैल्यू भी तो आज के रुपयों के बराबर ही थी यार, ये समझते ही नहीं, हद है। और दूसरी बात, मतलब ये चीज़ नहीं कहते कि हाँ माँ बाप ये चीज़ गलत कहते हैं, वो डिसिप्लिन में रखने के लिए कहते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ इनको देखो। अच्छा अगर बाप पैसे नहीं देगा तो तुम सीधे बाप को जाकर लूट लोगे हैं? भाई तुम्हें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बाप के बाद ये सब कुछ किसका होगा, तुम्हारा ही होगा, है ना? तो फिर मतलब लूटना क्यों अपने बाप को? जब तक है तब तक चल रहा है काम, उनका उनकी कंजूसाई से तुम कुछ सीख लो, है ना, कि हाँ पैसे बचाने होते हैं, ऐसे बचाने होते हैं, वैसे बचाने होते हैं, ठीक है, हो उनके जैसा कंजूस भी मत बनो, लेकिन उन हद से ज़्यादा खर्चीले भी मत बनो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है डिसिप्लिन में रखने के लिए, माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को ऐसे ही डांटते हैं, बहुत वो करते हैं, लेकिन फिर भी यार कभी भी दूसरों के बहकावे में आकर या किसी के भी कहने पर अपने ही घर वालों को लूटने पर मत उतर आओ, ओके? सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।